दोस्तों, बिल्डिंग मटेरियल में जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है, हम स्टोन, टिम्बर, ब्रिक ऐसे बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं, जैसे सीमेंट। तो आज उसमें जो स्टोन वाला भाग है उसे देखते हैं। ये हमारा बिल्डिंग मटेरियल का पहला लेक्चर है, उसमें स्टोन को हम समझते हैं। तो पत्थर तो आप सब जानते ही हैं। अब पत्थर को हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने का मतलब है कि आप किसी एक चीज को पकड़ लीजिए, किसी एक टॉपिक को पकड़ लीजिए और उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई करिए। जैसे कि आपको आदमी का क्लासिफिकेशन करना है तो आप उसके लिंग के आधार पर करते हैं, तो स्त्रीलिंग हुआ, पुल्लिंग हुआ। आप उसके कलर के आधार पर करते हैं तो गोरा हुआ, काला हुआ। उसी तरह से आप पत्थर यानी स्टोन की यदि क्लासिफिकेशन करते हैं जियोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर, कि उसका जियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, वो किस तरीके से बना है, तो उसमें हम तीन तरीके से उसको क्लासिफाई करते हैं, इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, तो जियोलॉजिकल में। तो इग्निशियस रॉक किसे कहेंगे कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है, लावा, उसे उसका सोलिडिफिकेशन होता है बहुत सा, उसका उसके ऊपर कंटिन्यूअस प्रेशर की वजह से उसका जब सोलिडिफिकेशन होता है तो इग्निशियस रॉक बनता है। इसका इसमें आपको याद रखना है कि इसका टेक्सचर कैसे रहता है, फ्यूज रहता है, मतलब एक स्मूथ टेक्सचर उसका नहीं रहता है। उसके बाद आता है सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, जैसे जो ये इग्निशियस रॉक है उसमें जैसे क्ले है, कोई मिनरल है, उसका जो कंटिन्यूअस जो डिपोजिशन होता है, मतलब किसी एक जगह पे वो कंटिन्यूअसली गिरते रहता है, उसकी वजह से जिस रॉक का वो बनता है जो रॉक, उसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। फिर है मेटामॉर्फिक रॉक। जब बहुत सारा हीट, मतलब बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी गर्मी और बहुत सारा प्रेशर कि उस पत्थर के ऊपर लगता है, तब जो पत्थर बनता है उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो देखिए, सेडिमेंट्री रॉक में आपको जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन ये आपका सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। सैंडस्टोन है तो ये भी आपका सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो ये जो आपका मार्बल है ये क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण है। उसी तरह से यदि हम रॉक्स को यानी कि स्टोन को हम फिजिकल कंडीशन के ऊपर यदि हम क्लासिफाई करते हैं कि भाई उसका वो दिखने में कैसा है, या फिर उसका जो फिजिकली जो लेयर है कि नहीं लेयर में है, नहीं लेयर में है, तो उसके बारे में यदि हम क्लासिफाई करते हैं तो इसमें दो आता है, एक है स्ट्रेटिफाइड और एक अनस्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में आपको उसको यदि आप तोड़ के देखेगा तो अलग अलग आपको लेयर्स दिखने को मिल सकते हैं, पतले पतले लेयर्स। उसमें आता है लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। लाइमस्टोन और सैंडस्टोन आपका सेडिमेंट्री रॉक का भी उदाहरण है। इसका मतलब ये हुआ कि सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो स्ट्रेटिफाइड होता है। आप देखिए इससे रिलेट कर सकते हैं, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन आपका स्ट्रेटिफाइड रॉक में आता है, और यही उदाहरण आपको सेडिमेंट्री रॉक में भी देखने को मिला। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक होता है वही वो स्ट्रेटिफाइड रॉक होता है, उसकी जो फिजिकल कंडीशन होती है वो स्ट्रेटिफाइड होती है। उसी तरह है अनस्ट्रेटिफाइड। तो अनस्ट्रेटिफाइड में आपको ग्रेनाइट और मार्बल उदाहरण में देखने, मतलब इसमें आपको लेयर्स दिखने को नहीं मिलेंगे, तो इसमें ग्रेनाइट और मार्बल आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो अनस्ट्रेटिफाइड है। तो आप इस तरह से चीजों को रिलेट करना करना चाहे तो कर सकते हैं। अब आप उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन पे जाइए कि उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं, वो किस चीज को मिलाकर वो बना है, तो उस हिसाब से आप उसे तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सिलिशियस रॉक, दूसरा अर्जिलियस रॉक और
तीसरा है कैलकेरियस रोग। अब इसमें होता क्या है, जैसे सिलिशियस रोग है तो ये सिलिका, इसमें आपको सिलिका शब्द छुटा छुपा हुआ दिख रहा है, तो इसमें मेन जो मटेरियल होता है वो सिलिका का होता है। और इसमें आपका जो उदाहरण पूछे तो आप उसमें ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज को बता सकते हैं, जो घड़ी बनाने में यूज होता है उसको। उसके बाद है अर्जिलियस रोग, तो इसमें आपको क्ले और एलुमिना, अर्जिलियस में आपको क्या होगा, क्ले और एलुमिना का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। इसमें उदाहरण में क्या आएगा, स्लेट और लेटराइट, स्लेट और लेटराइट आपके अर्जिलियस रोग के उदाहरण में आ जाएंगे। फिर कैलकेरियस रोग है तो ऑब्वियसली इसमें कैल्शियम होगा, तो लाइमस्टोन या कैल्शियम मिला के बना होगा तो उसको कैलकेरियस रोग बोलेंगे। इसमें आपको लाइमस्टोन और मार्बल, तो लाइमस्टोन और मार्बल आपको देखने को मिलता है केमिकल कॉम्पोजिशन में कैलकेरियस रोग के। तो आप इसको और इसको यदि आप रिलेट करने बैठेंगे तो जैसे कैल्शियम है, हो सकता है वो मेटामॉर्फिक में भी रहता हो और सेडिमेंट्री में भी रहता हो, क्योंकि देखिए लाइमस्टोन है वो सेडिमेंट्री का उदाहरण है और मार्बल है मेटामॉर्फिक का उदाहरण है और कैल्शियम दोनों में रहता है, तो इसलिए कैलकेरियस में लाइमस्टोन और मार्बल दोनों आएगा। लेकिन लाइमस्टोन आपको सेडिमेंट्री में देखने को मिलेगा और मार्बल आपको मेटामॉर्फिक में देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो सेडिमेंट्री में भी कैल्शियम होता है और मेटामॉर्फिक में भी कैल्शियम होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। उसी तरीके से आप जैसे ये तीन तरीके से इसको क्लासिफाई किया है हम स्टोन के बारे में, इन सारे स्टोन जैसे ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, मार्बल है, इन सारे के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं।